नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ऐप के बारे में जिसकी मदद से घर बैठे आप डॉक्टर से बात कर अपना इलाज करवा सकते हैं। जी हाँ, इस ऐप का नाम है ई संजीवनी ओपीडी ऐप। कोरोना संक्रमण के दौर में अस्पतालों में कोविड-19 के मरीज इलाज करा रहे थे, इसलिए सामान्य बीमारियों वाले मरीज अपना इलाज अस्पताल में कराने से डर रहे थे। इस स्थिति में के चलते हुए सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी ऐप की घोषणा करी थी। ई संजीवनी ओपीडी ऐप भारत सरकार का एक प्रमुख टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, जो कि भारतीय नागरिकों को निःशुल्क परामर्श प्रदान कर रहा है। इस सेवा का संचालन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि यह ऐप किस प्रकार काम करता है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन पर इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद उस पर तीन विकल्प आपको दिखेंगे। पहला, मरीज के रजिस्ट्रेशन व टोकन का, दूसरा मरीज की लॉगिन का, और तीसरा प्रिस्क्रिप्शन का विकल्प होगा। इस ऐप की सहायता से मरीज टेली कंसल्टेंसी के जरिए डॉक्टर से जुड़ सकता है। इस ऐप के तहत देश के चुनिंदा अस्पतालों में वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर इसकी प्रक्रिया के बारे में बात करें तो पहले आपको इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर एक टोकन नंबर जनरेट होगा, उसके बाद आपको एक सूची दिखाई जाएगी जो कि उन डॉक्टर्स की होगी जो कि उस वक्त ऑनलाइन होंगे। उनमें से किसी एक डॉक्टर को चुनकर आप उनसे घर बैठे वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। आप उनसे अपनी बीमारी के लक्षणों के बारे में बात कर सकते हैं। आप उन्हें अपने बताइए कि आपके क्या क्या सिम्टम्स हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और फिर उनसे आप उस बीमारी के इलाज के बारे में पूछ सकते हैं, दवाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।